फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन जब कभी भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो सिर्फ दो ही चीज बना सकता है फर्स्ट वन इज एसिडिक ऑक्साइड्स या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स लाइक नॉन मेटल जैसे कार्बन कार्बन एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है दैट इज सी ओ टू नेक्स्ट सल्फर एक नॉन मेटल है जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एंड हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करता है दैट इज एच टू नॉन मेटल ऑक्साइड्स जनरली कोवेलेंट नेचर के होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से फॉर्म होते हैं नेक्स्ट जब हम नॉन मेटल्स के एसिडिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये एसिड फॉर्म कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक like, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमें कार्बोनिक एसिड मिलता है दैट इज़ एच टू सी ओ थ्री सेम इसी तरीके से सल्फर एक नॉन मेटल है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा और जब इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो हमें एक एसिड मिलेगा दैट इज सल्फरस एसिड एच टू एस ओ थ्री सो वी कैन कंक्लूड दैट जब कभी भी एक नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो दो चीजें फॉर्म कर सकता है फर्स्ट वन इज एसिडिक ऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज न्यूट्रल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर यहां कार्बन मोनोऑक्साइड तब फॉर्म होगी अगर कार्बन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा नेक्स्ट थिंग इज दैट जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है चाहे वो एक एसिडिक ऑक्साइड हो या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड हो हम उसे टेस्ट कैसे करेंगे कि ये एक एसिडिक ऑक्साइड है या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड है सो आंसर विल बी क्वाइट सिंपल लाइक हम सिर्फ वेट लिटमस पेपर को उस सॉल्यूशन के पास लेके जाएंगे बट यहाँ पर हम वेट लिटमस पेपर क्यों यूज़ करेंगे एक गीला लिटमस पेपर क्यों यूज़ करेंगे बिकॉज जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ है उसमें हाइड्रोजन के आयन्स प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो अभी तक ड्राई है और अगर हम लिटमस पेपर भी ड्राई लेंगे तो लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करेगा क्योंकि लिटमस पेपर सिर्फ एक ही चीज़ टेस्ट करता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन के आयन का कंसनट्रेशन क्या है सो जब हम उस लिटमस पेपर को वेट लिटमस पेपर को उस एसिडिक सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो वो वेट लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूट्रल ऑक्साइड्स के, के केस में वो वेट लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करेगा दैट इज ब्लू का ब्लू ही रहेगा सो दिस इज हाउ वी कैन कन्फर्म जो हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स ही फॉर्म होते हैं